कॉन्फिडन्स ग्रुप आता एलपीजी आणि सी एन जी नंतर हायड्रोजन सिलेंडरच्या जगात पाऊल टाकत आहे आणि देशातला पहिला प्लांट नागपूरच्या बुट्टीबोरी येथे सुरू होणार असल्याची माहिती शुक्रवारी नागपूर येथे एका पत्रपरिषदेत देण्यात आली या विषयावर यावेळेस ये समूहाचे सीएमडी से सीएम डी श्री नितिन खाराशी खास बातचीत केली आहे वीके बी न्यूज के संपादक मुकेश हेड़ाऊ यांनी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेट्रोल और डीजल के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं और कई विकल्प इस वक्त मौजूद हैं अभी कॉन्फिडेंस समूह के एक पत्र परिषद हुई और कॉन्फिडेंस समूह लेकर आ रहा है अत्याधुनिक हाइड्रोजन सिलेंडर सर सबसे पहले बधाई वीके बी न्यूज के तरफ से और हाइड्रोजन सिलेंडर अत्याधुनिक आप जल्दी लेके आ रहे हैं क्या कहेंगे ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि आज पर्यावरण देश का एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है डे बाय डे इतना पॉल्यूशन हो रहा है और उसको कम करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्रीन हाइड्रोजन की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए कॉन्फिडेंस ग्रुप की यह पहल है कि वो एक नया हाईटेक सिलेंडर जो टाइप फोर सिलेंडर्स कहा जाता है हाइड्रोजन जिसमें आप हाइड्रोजन कैरी कर सकते हैं वो सिलेंडर का यूनिट आज का हमने भूमि पूजन किया बुटीपोरी में और इस यूनिट में नागपुर में लगाने के कारण हमें एक खुशी हो रही है कि क्योंकि हम नागपुर बेस है मध्य भारत में है ऐसे कि हमारा व्यापार तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है परंतु नागपुर में लगाने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि इस हाइड्रोजन यूनिट्स को लगा हाइड्रोजन सिलेंडर बनाने के प्लांट जो कि एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है उस यूनिट को यहाँ पर लगा के हमें बहुत खुशी हो रही है किस तरह का सिलेंडर रहेगा और किस तरह से इसे उपयोग में लाया जाएगा आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की गाड़ियाँ भी चलने वाली जिस तरह से नितिन जी के पास एक गाड़ी है हाइड्रोजन को प्रमोट करते और विकल्प के तौर पर देखते पर्यावरण की दृष्टि से सेफ़ देखते तो किस तरह से आप ऑटोमोबाइल डील करेंगे और नागपुरी क्यों चुना आपको आपने सबसे पहले प्लांट के लिए भारत का ऐसा है मैं हमारे आदरणीय नितिन जी गडकरी से बहुत प्रभावित होता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ जब भी उनके साथ में रहता हूँ मेरे अंदर से एक अलग वाइब्रेशन आता है कि उस व्यक्ति में ऐसी पहल है कि वो जो भी चाहते हैं कि नहीं ये कैसे नहीं हो सकता है ऐसा ही मेरी धारणा है और उस धारणा को पहल करने की जैसे नितिन जी का भी सपना है कि आने वाला फ्यूचर हाइड्रोजन का है और उस हाइड्रोजन को फ्यूचर को तत्परित करने के लिए उसके लिए सिलेंडर्स भी लगेंगे तो हमने ये टाइप फोर का सिलेंडर और नागपुर इसलिए चुना क्योंकि हम नागपुर बेस है हमारा मध्य भारत हमारा गढ़ है हमारा नागपुर गढ़ है हेड ऑफिस क्वार्टर कॉरपोरेट ऑफिस नागपुर में है और हम लोग एक विदर्भ में कुछ करना चाहते थे नितिन जी का भी सपना था नितिन जी का सपना था कि आने वाले दिनों में विदर्भ को अभी जैसे उन्होंने एक एक इंडस्ट्रियल एक्सपो भी लिया था उसमें भी हम मैं गया था तो उनमें भी उनकी विजनरी ये कहती थी कि हमारे विदर्भ में एक हजार करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट कर सके ऐसी कम से कम सौ कंपनी होनी चाहिए तो हमने कुछ पहल की है चलो हजार करोड़ तो नहीं पर अभी साढ़े तीन सौ करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर और उसके साथ में हम लोग एक कुछ छोटी सी पहल एक योगदान देने की कॉन्फिडेंस ग्रुप पहल कर रहा है और मुझे खुशी हो रही है कि इस यूनिट को हमने बुटीबोरी नागपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है अतीत में लेके जाऊंगा तीस वर्ष पहले अकोला से एक शुरुआत होती है और आज ये वटवृक्ष हो जाता है कॉन्फिडेंस समूह जो पूरे देश भर में नामी जामी एल और बाकी अन्य गैसेस में डील करता है आज हाइड्रोजन की बारी है किस तरह से इस बदलाव को देखते हैं और इस तीस वर्षों में कितने उतार चढ़ाव देखें धूप छाव तो बहुत देखी है पर कभी नितिन खारा ने कभी हार नहीं मानी ये मुझे अंदर से प्रेरणा मिलती है पता नहीं क्या है वो वा ऊपर वाले ने क्या शक्ति दिया है और हमेशा तमन्ना रहती है और किया भी है जैसे हम लोग एल पी जी सिलेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वी आर द लार्जेस्ट एल पी जी सिलेंडर मैनुफैक्चरिंग इंडिया एल पी जी बॉटलिंग करते तो वी आर द लार्जेस्ट एल पी जी बॉटलर्स इन इंडिया एल पी जी ऑटो एल पी जी डिस्पेंसरी वी आर द लार्जेस्ट सिंगल ऑनर स्टैंड ऑल ऑन लार्जेस्ट ऑटो एल पी जी डिस्पेंसिंग स्टेशन इन इंडिया सी स्टेशन लगाना शुरू किया है सी के यूनिट लगाना तो वहाँ मेरी कल्पना रहती है कि जहाँ पर भी जाए एक नया आयाम नई प्रेरणा के साथ और सबसे बड़ा मुझे खुशी मिलती है ऊपर वाले की दया से सब कुछ है आज सात पीढ़ी भी खाए तो भी कम नहीं है उतना भगवान ने दिया हुआ है पर एक प्रेरणा मिलती है कि मेन पावर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दो जिससे कि लोगों को खुशी मिले और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं मैंने आज साढ़े पाँच हज़ार लोग हमारे ग्रुप में काम करते हैं तो एक खुशी मिलती है कि नहीं इतने लोगों को आज हम लोग रोजी रोटी मिल रही है एक अच्छा लगता है बस इसी प्रेरणा के साथ और हमारे विजनरी जो नितिन गडकरी जी है उनकी प्रेरणा को साथ में लेके हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ अंतिम सवाल तो सर पर्यावरण कुछ वर्षों पहले अगर बात की जाएगी तो काफ़ी दूषित हुआ करता था लेकिन आज एक आप अहम हिस्सा है इसको इसका दूषित दूषितपन दूर करने के लिए Uh, अंतरमंड में पिछले कुछ वर्षों पहले अगर देखा होगा तो कोविड जैसी परिस्थिति हमने देखी उससे बाहर निकलते हुए आज इस तरह के uh, इवेंट या फिर इस तरह की योजनाएं आप ला रहे हो uh, गैसेस के जरिए जिससे पर्यावरण बहुत अपना uh, हानिकारक नहीं होगा तो कितनी खुशी हो रही है और क्या कहेंगे आप सभी को मेरी लाइफ के बारे में पता है कि मैं एलपीजी और सीएनजी व्यवसाय में कैसे आया एल व्यवसाय में आने का जब मैं छोटा था मेरे अंकल ने मुझे लाइन में एक गैस कनेक्शन लेने के लिए खड़ा किया था कि गैस कनेक्शन का नंबर लगाना था उसमें मुझे बहत्तर घंटे पूरे नंबर लगाने के लिए लगाता है यानी सिर्फ गैस कनेक्शन का नंबर लगाने के वो कनेक्शन तो फिर छः सात साल के बाद मिला था तभी मैंने सोचा था कि गैस का धंधा ही करना है और गैस जब इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको हम कैसे अवेलेबल करवाएं जहाँ जहाँ कमियाँ हैं सिलेंडर्स की बोलो गैस की उसको कैसे हम लोग पूरी करें उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है अब आया पर्यावरण का सवाल अब पर्यावरण की तरफ जब नजर गई और पर्यावरण को लोग समझने लगे कि पर्यावरण आज इतना अशुद्ध होते जा रहा है उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या पहल कर सकते हैं हमारा क्या योगदान हम दे सकते हैं उसी पहल के लिए आगे बढ़ने के लिए हम लोग अभी धीरे धीरे जैसे ऑटो एलपीजी के स्टेशन लगा रहे हैं सी के स्टेशन लगा रहे हैं अभी कंपनी सी एन का हाईटेक सिलेंडर बनाने जा रही है ये विचार इसीलिए आया कि क्यों ना हम भी कुछ थोड़ा अपना योगदान भार, इस भारतवर्ष में हम लोग दें बस यही कारण था जी सेटिस्फाइड अब तक की जर्नी के लिए और कुछ आगे करना देखो मैंने हमेशा कहा है कि जिंदगी की असली उड़ान मेरी अभी बाकी है ज़िंदगी की असली उड़ान अभी मेरी बाकी है मेरे इरादों का इम्तिहान भी अभी बाकी है अभी मैंने सिर्फ मुट्ठी पर ज़मीन नापी है अभी मेरे लिए सारा आसमान बाकी है